आईजान के इस फैसले की वजह से आईजान को बहुत झटका पहुंचा। रुदाब, मैं ये सब लड़ाई झगड़े पैदा करके तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती। देखो शामीन, मैं आके ही बहुत परेशान हूँ, तुम इस बात को ना का मसला बना के मुझे मजीद परेशान मत करो। तुम बस एक बार हमारी शादी हो जाने दो, उसके बाद देखना अम्मी तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। You just hang it. और आज के बाद ये रिंग मैं तुम्हारी फिंगर से उतरी भी ना दूं, और वादा करो मुझसे कि मरते दम तक तुम इसे उंगली से निकालो। प्रॉमिस मी। देखो रोशनदारा, जो हो गया उसे भूल जाओ और शामीन को खुशी खुशी कबूल कर लो, वो तुम्हारे बेटे की पसंद है। वैसे आपने मेरे भाई और भाभी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। एक ही भाई है मेरा, वो भी नाराज होकर चला गया। पता नहीं अब दोबारा यहाँ कदम रखेगा भी या नहीं। अच्छा नाराज है तो क्या हो गया, हम जाके मना लेंगे। और याद रखो, बहन भाई आपस में बहुत ज्यादा अरसे तक इस तरह से नाराज नहीं रहते। और मेरी मासूम भतीजी का क्या कसूर था? अगर आपके सरप्राइज की वजह से मुझे कुछ हो जाता तो? अच्छा छोड़ो इन बातों को। देखो शामीन बहुत अच्छी लड़की है, और फिर तुम्हारे बेटे की पसंद है, दिलो जान से चाहता है वो उसे। इसी बात का तो डर है मुझे। आपको याद है ना, सुफियान भी इसी तरह उस लड़की के लिए चला गया था, सब कुछ छोड़कर, अपने माँ बाप को, हम लोगों को, इस घर को। मुझे डर है कि कहीं हमारा बेटा भी हमें छोड़कर ना चला जाए। कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा बेटा, यहीं रहेगा तुम्हारे पास। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, मैं आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। अब ताईजान की तबीयत कैसी है? भैया कुछ पूछ रही है? क्यों आई हो तुम यहाँ मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने? ये क्या तरीका है बात करने का रोशनदारा? ताईजान प्लीज, आप मेरी वजह से ताईजी को कुछ नहीं कहे। वैसे ही डॉक्टर ने मना किया इनको किसी भी किस्म की टेंशन लेने से। अगर ताईजान चाहती हैं कि मैं और आप ही उनके सामने नहीं आए, तो आइंदा हम उनके सामने नहीं आएंगे। लेकिन प्लीज आप दोनों आपस में नाराज नहीं हो। देखा तुमने, इसे कहते हैं तरबियत। तुम जो सुफियान की बच्चियों को आजाद माहौल और गलत तरबियत के ताने देती रहती हो, इतनी छोटी होने के बावजूद कितने ज़र्फ का मुजाहरा करके गई है। और एक तुम हो, सिवाय जलने कूदने के तुम्हें कोई काम नहीं। आपने बताया नहीं कि कल रात क्या हुआ था। क्या करोगे तुम जान के? अपने काम से काम रखो। मैं भी इस घर में रहती हूँ और मैं भी इस घर का फर्द हूँ। आप लोग मुझसे हर बात छुपा के क्यों रखते हैं? कम से कम आप तो मुझसे गैरों वाला सलूक ना किया करें। तुमने इस घर को अपना समझा ही कब? अगर समझती तो इस घर की एक एक बात की रिपोर्ट अपनी माँ को नहीं देती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। खैर, आप मुझे कुछ भी ना बताएं तो भी मुझे अंदाजा है कि कल रात क्या हुआ होगा। अम्मा का गुस्सा और परवीन की हालत देख के मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। वैसे बहुत बुरा हुआ है परवीन के साथ, कल रात से कमरे में बंद है और रोई जा रही है। जब ये रिश्ता करना ही नहीं था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? बेचारी परवीन,
दिल तो ना टूटता उसका। कैसी हो तुम? तुम क्यों आई हो यहाँ पर? मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ, ये देखने आई हूँ कि तुम किस हाल में हो। मेरा हक मुझसे छीनने के बाद दबा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। क्या हालत हो गई है तुम्हारी, मुझे तो दुख हो रहा तुम्हें देखकर। क्यों, मुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम चली जाओ यहाँ से। झूठ बोल रही हो तुम, जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखो। क्या जरूरत थी इतनी खुशफहमियां पालने की? तुम जैसे छोटे घरानों की लड़कियों को महलों और शहजादों के ख्वाब देखने नहीं चाहिए? खुशफहमी में मैं नहीं तुम मुब्तला हो, तुम क्या समझती हो? तुमने मुझे हरा दिया है और तुम खुद जीत गई हो। मैं इतनी आसानी से सब कुछ भूल जाऊंगी और तुम्हें माफ कर दूंगी? हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, तुम समझती क्या हो अपने आप को? परवीन, क्या हो गया है, पागल हो गई हो क्या? हाँ अम्मा, मैं पागल हो गई हूँ। मेरा कसूर क्या था जो ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ? अरे बेटा सबर करो, सबर करो। अम्मा, रुधाम ने अंगूठी मुझे पहना ली थी, मेरा हक छीना है उस कमीनी ने, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फुप्पो, और मैंने जाके अंगूठी खुद पसंद की थी, मैंने वो अंगूठी पसंद की थी, मुझे पता है। पर भी सबर कर बेटा, सबर कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो किसी के दिल पे जख्म लगाता है अल्लाह ताला उसको कभी खुशियां नहीं देता। तेरी खुशियां छीनी है, तेरी मोहब्बत छीनी है, तू उसका हाल देखना। मेरे दिल से तो उठते बैठते उसके लिए बद्दुआएं निकलती हैं। कमबख्त, कोई जरूरत नहीं किसी हॉस्टल में जाने की। मरते वक्त तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी और मैं ये जिम्मेदारी हर हालत में पूरी करूंगा। भाई तुम्हारा घर है, यहाँ जैसे मर्जी चाहो रहो, कोई रोक टोक नहीं होने वाली। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर घर छोड़ देने की धमकी देने लगे। हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, लेकिन ताई जान वो तो हमारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, और कल वाले वाक्य के बाद उन्हें हमसे और भी नफरत हो गई है। हाँ मुझे मालूम है कि तुम्हें अपनी ताई जी से काफी शिकायतें हैं, लेकिन देखो बेटा वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम जल्दी से अब शादी की तैयारियां शुरू करो। रोशन आरा से मेरी बात हो गई है, इस महीने की 25 तारीख को हमने तुम्हारा और रुदाब का निकाह रखा है। भाई वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा, वो मैंने शगुफ्ता को बुलवा लिया है, वो भी इस सारे काम काज में तुम्हारा हाथ बटाएगी, और फिर रुहाब आ जाएगा एक दो दिन में, सारे काम आसान हो जाएंगे। बस तुम लोग शादी की तैयारियां शुरू करो, ठीक है? ओके। ओह माय गॉड, आपको यकीन नहीं आ रहा, शादी की डेट फिक्स हो गई है, आपके और रुदाब भाई की शादी होगी। फाइनली आपकी मोहब्बत कामयाब हो गई है। बस करें ना अम्मी जान, अब मान भी जाए, भूल जाए ना सब कुछ। कैसे भूल जाऊं? जो मेरे भाई भाभी और भतीजी के साथ जाती हुई है उसे कैसे भूल जाऊं मैं? अम्मी हम जाके मना लें, अगर आप कहती हैं तो अभी चलते हैं, बल्कि अभी चलते हैं जाके शादी के कार्ड्स भी देंगे। कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की, मैं तुम दोनों बाप बेटे की चलाकियों को खूब समझती हूँ। तुम लोग वहां जाके उनके जख्मों पर नमक छिड़कना चाहते हो जी? क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ, मुझे अगर मामू जान के सामने हाथ जोड़कर भी उन्हें मनाना पड़ा मैं मनाऊंगा, बस आप मान जाए। देखिए आप अब से जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। अच्छा ना मी, बस कर देना अब। अच्छा बस अब उठो ना,
इस तरह बैठ के नीचे माफिया मांग रहे हो तुम। थैंक गॉड। चले मेरा नीचे बैठना काम तो आया एटलीस्ट। आप मानी तो सही। आपने परवीन की हालत देखी है? मुझे तो परवीन की ज़हनी हालत पे शुबा होने लगा है। एक हफ्ता हो गया इस बात को, लेकिन लड़की समझने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे तो डर है कहीं सदमे से पागल ही ना हो जाए। मेरी बहन को पागल कह रही हो? मैंने ऐसा कब कहा है? किसी की बेवफाई का जख्म इतनी आसानी से नहीं जाता है। आप लोगों को उसके लिए जल्द से जल्द रिश्ता तलाश करना होगा। शादी के बाद सब कुछ भूल जाएगी। कह तो तुम ठीक रही, लेकिन इतनी जल्दी अच्छा रिश्ता कहां से मिलेगा? मेरी नजर में एक रिश्ता है। कितना पढ़ा लिखा, काम क्या करता और फैमिली कैसी है? उसका अपना कारोबार है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। तुम अपने ये फजूल रिश्ते अपने पास ही रखो। मेरी बहन मुझ पर इतनी भारी नहीं है कि मैं किसी भी राह चलते हुए जाहिल और गवार के साथ उसकी शादी करवा दूं। अब किसी जाहिल या गंवार के लिए डॉक्टर या इंजीनियर का रिश्ता तो नहीं आएगा। शक्ल देखो, नखरे देखो, अच्छा खासा रिश्ता था वो भी हाथ से निकल गया। अम्मा मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं किसी जाहिल गंवार से शादी नहीं करूंगी। हाँ, मैं मर जाऊंगी अगर तुमने किसी ऐसी वैसी जगह मेरी शादी कर दी तो। अरे मेरी बच्ची, मेरी प्यारी, रोना बंद कर चल। देख मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना कि मैं तुझे किसी जहन्नम में झोंकूंगी। अच्छा बस अब रोना बंद कर ना, अब रोना बंद कर। तेरी सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए? देख अल्लाह जो भी करता है ना उसमें कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है, हमारी समझ में नहीं आता। क्या पता कि रुदाब से ज्यादा कोई अच्छा आदमी तेरे नसीब में हो। हाँ। अच्छा, मैंने नहीं तुम्हारी जैसी जिंदगी गुजारनी। लड़का मैट्रिक पास है लेकिन देखने में पढ़ा लिखा लगता है। करता क्या है? परचून की दुकान है। मगर शक्ल सूरत का कोई खास तो नहीं। लड़कों की शक्ल सूरत का क्या करना, उनकी कमाई देखी जाती है। चलो छोड़ो, ये एक और रिश्ता बताती हूँ। ये कुछ बेहतर है। ये क्या करता है? सब्जी की दुकान है इसकी, गली में अच्छा चलता हुआ कारोबार है। ये क्या हो रहा है यहाँ, किसके रिश्ते की बात हो रही है? ये मेरी बेटी है परवीन। आपके यहाँ मेहमानों को सलाम करने का रिवाज नहीं है? ओ बीबी, इज्जत उन्हें दी जाती है जो इसके लायक हो, और सलाम भी उन्हें किया जाता है, तुम्हारी जैसी औरतों को नहीं जो पता नहीं कहाँ कहाँ से इस तरह के बुरे रिश्ते उठा के ले आती हैं। है शाकरा, तेरी बेटी का तो घर में बैठ बैठ कर दिमाग खराब हो गया है, देखो किस तरह बातें कर रही है। दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब है जो इतने थर्ड क्लास रिश्ते लेकर आती हो। मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूँ कि तुम्हारे लाए हुए इतने बुरे रिश्ते हंसी खुशी कबूल कर लूंगी। तौबा तौबा, कितनी बदतमीज लड़की है, कस भर जबान है इसकी, कोई पागल ही ब्याह कर लेके जाएगा इसको। अरे चलो चलो निकलो यहाँ से। अरे तुम क्या निकालोगी, मैं खुद ही जा रही हूँ। शक्ल देखो, नखरे देखो। जाओ जाओ, बातें ना बनाओ, तुम अपनी शक्ल और अकल देखो। खबरदार जो यहाँ पे आई तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। मैं दिमाग खराब हो गया। अरे घर आए हुए मेहमानों के साथ कोई इस तरह का सलूक करता है? उसके साथ तो इससे भी बुरा सलूक करना चाहिए था। उसकी हिम्मत कैसे हुई एक परचून वाले के साथ मेरा रिश्ता करा रही है? मैं कौन सा तेरा रिश्ता जोड़ रही थी उसके साथ? तेरे बाप का हुक्म था कि किसी रिश्ते वाली औरत को बुला और बात करो। हाथ पीले करना चाहते हैं तुम्हारे। क्यों, क्या जल्दी है?
इतनी बड़ी हो गई है तू, कब करेगी शादी? मैं कोई बूढ़ी तो नहीं हो गई हूँ इस तरह परेशान होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। देख तूने अपना वक्त भी बहुत जाया किया है और हमारा वक्त भी जाया किया, अब जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। वक्त मैंने नहीं आप लोगों ने जाया किया मेरा, किसने ख्वाब दिखाए थे मुझे रुदाब के? अब मुझे नहीं पता, रुदाब नहीं तो वैसा लड़का तो होना चाहिए। कहां से तलाश करें रुदाब जैसा रिश्ता तुम्हारे लिए? देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, आजकल वैसे ही रिश्तों की कमी है, ऐसा ना हो कि ये परचून वाला भी हाथ से निकल जाए। अरे भाड़ में गया वो परचून वाला, और मैं कोई इतनी गई गुजरी नहीं हूं अम्मा, मुझे तो उस औरत पर रह रह के गुस्सा आ रहा है, आई कैसे उस घर में और आप दो दो टके के लोगों को घर में घुसा कैसे लेती है? और मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ अम्मा, इस किस्म की कोई और औरत मैंने इस घर में आती हुई देखी ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, फिर तुम रोती रहना। दिमाग खराब हो गया है, बावली हो गई है, या अल्लाह क्या करूं इस लड़की का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? मैं मिशाल और तुम रोहाब हो राइट? हाँ, वैसे काफी छोटी सी थी जब तुम यहाँ आई थी, अब तो काफी बड़ी हो गई। हाँ तो मैंने भी जब देखा था तो तुम इतने बड़े नहीं थे। सुना है डॉक्टर बन के आए, वैसे देखने में ना तुम कहीं से डॉक्टर नहीं लग रहे। अच्छा, वैसे देखने से तो मुझे भी नहीं लग रहा कि तुमने जर्नलिज्म जैसे ड्राई सब्जेक्ट पढ़ा। तुम्हें कैसे पता? रुदाब मुझे सबकी खबर फोन पे दे दी। रुदाब भाई तुमसे मेरे बारे में क्यों बात कर रहे थे? अच्छा ये तो मैं रुदाब भाई से खुद ही पूछ लूंगी। अरे रुहाब तुम कब आए? अम्मी जान देखिए कौन आया है। अरे दरवाजे पर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना, तुमने तो कल आना था। मैंने सोचा आज तुम लोगों को सरप्राइज देता हूं। चलो आओ सरप्राइज पे छोड़ो। तुम और तुम्हारे सरप्राइजेस हर बार यही करते हो। वेल अबू टू बी ऑनेस्ट इस बार तो भाई मैं भी इसके प्लान में शरीक। अच्छा, और तुम दोनों ने हमें भिनक भी नहीं पड़ने दी। क्यों भाई, तुमने मुझे मेरे बेटे के आने का भी नहीं बताया। अम्मी जी अगर बता देते तो फिर सरप्राइज कैसा रहता? ये अजीब फैशन है भाई सरप्राइज का। अरे भाई अपनों को सरप्राइज देने में मजा आता है अम्मी। वालदैन के साथ इस तरह का मजाक करते हो तुम लोग। अम्मी सरप्राइज में और मजाक में बहुत फर्क होता है, और आपको खुशी नहीं हो रही मैं आपके सामने आ गया अचानक से? भाई मेरी जान, मुझे तो वैसे ही तुम्हें देखकर ठंडक पहुंचती है। अच्छा मुझे कुछ खाना वाना भी खिलाएंगे या बस ये चाय पेट रखाएंगे? घर के खाने के चक्कर में मैंने घास में भी कुछ नहीं खाया। फिलहाल तो जो बना है वही खाना पड़ेगा, तुमने हमें बताया नहीं इसलिए हम कोई एहतमाम कर नहीं सके। हाँ लेकिन शाम का मेन्यू तुम्हारी मर्जी का होगा। भाई आज तो मैं अपनी भाभी के हाथ का खाना खाऊंगा। खाना वाना पका लेती ना भाभी? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बताओ कि क्या खाओगे। लो अभी शादी हुई नहीं और तुमने भाभी भाभी कहना शुरू कर दिया। अरे भाई नहीं हुई तो हो जाएगी, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। हाँ इंशाल्लाह। हर काम अपने वक्त पर ही अच्छा लगता है, जब शादी हो जाएगी तो फिर तुम बुलाते रहना बेशक भाभी। चलो शगुफ्ता बेटा उठो, जल्दी से खाने की तैयारी करो। ताईजान खाना मैं बना लेती हूँ। अच्छा सब बातें छोड़ेंगे, बताएंगे शादी की तैयारियां कैसे चलेंगी? अम्मी आपके लिए मैं साड़ी लेकर आया हूँ, शगुफ्ता तुम्हारे लिए भी और भाभी आपके लिए भी। थैंक यू सो मच रुहाब, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? भाई शादी है, शादी में तो आप लोग साड़ियाँ वगैरह पहनते हैं, वरना आम जिंदगी में कहाँ साड़ियाँ पहनते हैं, इसलिए तो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आया। थैंक यू बेटा, जरूरत नहीं थी वैसे। वहाँ से मिल जाती है साड़ियाँ? अरे भाई लंदन में दुनिया की हर चीज मिलती है, ऐसा क्या है जो नहीं मिलता होगा वहाँ। और आप, ये आपके लिए। वाह भाई रैपिंग तो बड़ी फैंसी है इसकी। अंदर भी चीज अच्छी है। अब वो आपके लिए भी गिफ्ट है। अरे बेटा किन तकल्लुफात में पड़ गया, घड़ियां तो ऑलरेडी बहुत है मेरे पास। अब्बू जी ब्रांडेड वॉच रख। भाभी आपके लिए और आपकी शादी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। वो क्या? खोल के देख लीजिए खुद ही पता चल जाएगा। कॉस्मेटिक्स लेके आया हूँ ब्रांडेड, और इतनी है कि मेरे ख्याल से अगले 5 साल तक आपको शॉपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉस्मेटिक्स। क्या जरूरत थी रुहाब इन सब चीजों की, हमारे पास पहले ही इतना सब कुछ पड़ा है। और जो वो परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स मैंने कहे थे वो कहाँ है? अरे वो तो मैं भूल गया, और तुमने मुझे रिमाइंड क्यों नहीं करवाया? चलो कोई बात नहीं, अब अगले साल आऊंगा तो लेता आऊंगा। देख रही हैं अम्मी आपका बेटा अभी से फर्क करने लग गया है, शामीन के लिए कितने कीमती तोहफे लाया और मुझे सिर्फ एक साड़ी पटर खा रहा है। तुम्हारे लिए भी तो लाया है।
और फिर शामिन की तो शादी है इसलिए। आप तो बस कर दें अबू, आप तो फौरन ही तरफदारी शुरू कर देते हैं। देख नहीं रहे आप कितने कीमती तोहफे लाए हैं इनके लिए और मेरे लिए कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं शगुफ्ता, तुम ये रख लो, वैसे भी मेरे पास बहुत सारा सामान पड़ा है। रखो तुम अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी खैरात। अरे बेटा बहुत बुरी बात है, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है, ये किस तरह तुम इनसे। अबू एक आप और आपके बेटे हर बात पे इसकी तरफदारी करना शुरू कर देते हैं, अभी से मेरा वजूद आप लोगों को खटकने लगे। एक मैं पागल हूँ जो हर बार अपने भाइयों की मोहब्बत में खींची चली आती हूँ। शगुफ्ता बेटा, तुम्हें तो पता है ना इसकी आदत का, मैं देखती हूँ। आखिर हो क्या गया इस लड़की को, न हंसती है न बोलती है न खाती है न पीती है, ऐसा कब तक चलेगा शाकर? तुम समझाती क्यों नहीं इस लड़की को? क्या समझाऊं, इतना बड़ा सानेहा हो गया, सब कुछ तो आपके सामने है, कैसे कोई हंसेगा बोलेगा? बात सुनो, अब ऐसी भी कोई कयामत नहीं टूट पड़ी? कयामत से कम है क्या? आपके भांजे ने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ, अल्लाह ही पूछे इस रुदाब से, तो मेरी बच्ची का दिल ही तोड़ दिया। अब बस भी कर दो शाह, उठते बैठते बद्दुआएं देती हो तो और क्या करूं? मेरे दिल पे जो बीत रही है वो मैं जानती हूँ या मेरा रब, उससे परवीन की ये हालत देखी नहीं जाती। ये सारा किया धरा तुम्हारा, तुम ही उसके दिमाग में सारी खुराफात डालती थी, मना करता था ना मैं वहां जाकर इसके रहने पे, लेकिन तुम्हारी समझ में तो कोई बात आती नहीं थी मेरी। अरे मैंने क्या किया है, समझाओ अपने बाप को, हर बात का इल्जाम मेरे सर पे डालते हैं। मैं माँ हूँ परवीन की, दुश्मन नहीं हूँ। वैसे अम्मा अब्बा भी को ठीक कह रहे हैं, कुछ गलत नहीं कह रहे, बचपन से आपने परवीन को खुशफहमी में मुब्तला करके रखा हुआ है। रोशन आरा ने खुद बात की है, परवीन और रुदाब के रिश्ते के लिए एक दफा नहीं कई दफा। मैं तो कहता हूँ कि अब जल्द से जल्द परवीन की शादी कर दें। मैं भी यही कह रहा, कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर परवीन की शादी कर, किसी रिश्ते करवाने वाली से बात करो इसके लिए। इस बार आप ही कुछ कीजिए, और ये जो मोहल्ले में रिश्ते कराती हैं ना औरतें, इनसे तो बच के ही रहना चाहिए, ले आएंगे किसी परचून वाले या किसी दुकानदार का रिश्ता मेरी बेटी के लिए। हेलो रुहाब, तुम? हाँ वो एक्चुअली मैं सबके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आया था, तो तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट था, मैंने सोचा कि पर्सनली तुम्हें आके दे दूँ। अच्छा तो क्या गिफ्ट है? इट्स अ सरप्राइज, उसके लिए पहले तुम्हें अपनी आंखें बंद करना पड़ेंगी और हाथ आगे करना पड़ेगा। ओके रेडी? तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगी रुहाब? ये ना तुम पकड़ो उन लड़कियों को डराओ जो डरती है, मेरे तो छोटे मोटे सामना पेट रह चुके। really? वैसे किस चीज से डरती हो? I don't like lizards. Same family है वैसे? हाँ same family है, snake अच्छा है। हाँ रख लेती हूँ मैं। हाँ please. It's a gift. ठीक है, thank you, Allah Hafiz. रुहाब की उस लड़की से बेतकल्लुफी देखकर तो मैं तशवीश में ही पड़ गई हूँ अम्मी जान। इसीलिए तो मैं इन लड़कियों के यहाँ आने के खिलाफ थी। ये अब्रॉड में पलने वाली लड़कियाँ ना काफ़ी बोल्ड होती हैं, लड़कों से दोस्ती और मेल मिलाप तो इनके लिए मामूली बात होती है। ज़रा ध्यान रखिएगा अम्मी, बड़े ने तो अपनी मर्जी कर ली, ये ना हो कि कहीं छोटे का भी दिल यहाँ पर अटक जाए। प्लीज़ शगुफ्ता, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे और मत उलझाओ। मैं आपको उलझा नहीं रही हूँ, आपको वो बता रही हूँ जो मैंने देखा है। आप अपनी आँखें और कान खुले रखें। आज वैसे बड़े ज़माने बाद मैं इस तरह से हूँ।
परदेश में मौका कहाँ मिलता है इस तरह हंसने बोलने का, वहाँ तो इंसान अपनों की शक्ल देखने को भी तरस जाता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा बेटा। वैसे भाई की शादी को एक महीना रह गया, घर में कोई हल्ला गुल्ला, कोई हंगामा, कुछ भी नहीं, क्यों? कोई जरूरत नहीं है इसकी, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं सुफियान की डेथ को। अम्मी एक महीना तो हो ही गया ना इस बात को। मैंने तुम्हारे अब्बू को पहले ही कह दिया था, शादी सादगी से होगी, कोई फजूल धूम धड़का नहीं होगा, और रुदाब भी ये नहीं चाहता। अबू ये क्या बात है, शगुफ्ता की शादी तो आपने बहुत धूमधाम से की थी। भाई ये तुम्हारी माँ का डिपार्टमेंट है, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप लोगों को तो पता है कि मैं शादी का कितने अरसे से वेट कर रहा था, कि जब भाई की शादी होगी तो बहुत धूम धड़का करेंगे, बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे, मगर यहाँ पे तो देखा बेगम, मैंने आपसे पहले कहा था कि रुहाब इस फैसले से खुश नहीं होगा। अबू रुहाब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंसान शादी एक बार करता है, बार बार नहीं। बस ठीक है, फिर तय पा गया, फुल हंगामे से करेंगे शादी। ठीक है, एक बार लड़के को देख लेते हैं, हो सकता है कि लोग शरीफ और खानदानी। हाँ हाँ, वो रिश्ता कराने वाली खातून कह रही थी कि लड़का खुश शक्ल भी है और खाता कमाता भी अच्छा है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार उनको बुला लेते हैं, हो सकता है कि इसे लड़का पसंद आ जाए। हाँ मुझे पसंद आ जाए उस पेंडू औरत का लाया हुआ रिश्ता। माय फुट, अपनी ये टूटी फूटी अंग्रेजी हम पे ना जाड़, अच्छा खामोश होके बैठ जा, बढ़िया ही माय फुट। इतना गुरूर अच्छा नहीं होता, कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपनी सोच को बदलो वरना बहुत पछताओगी। मैं कोई नहीं पछताऊंगी और ना ही मुझे कोई अफसोस होगा, मैं नहीं किसी अरे गहरे के साथ शादी कर सकती, ये फैसला मैं खुद करूंगी। तुम्हें क्या मिलना है क्या नहीं, इसका फैसला अल्लाह ने करना है, तकदीर अल्लाह बनाता है, इंसान नहीं। मैं अपनी तकदीर बना भी लूंगी और संवार भी लूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो ख्वाब देखे हैं ना वो मैं जरूर पूरे करूंगी। कितनी बार तुम्हें कहा है कि कुफर मत बोला करो, कुछ तो लगा खौफ किया करो, ऐसे अम्मा आपने इसका दिमाग बहुत खराब कर दिया, अब आपने जो करना है वो करें और मुझे इस मामले से दूरी रखें। हाँ तो भाई दूरी रहो। ये लो बेटा 10 लाख रुपए का चेक रखो और बस कल ही से शादी की शॉपिंग शुरू कर दो, जेवर तो तुम्हारी माँ ने बना रखा सारा, उसकी जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि शामिन तुम्हारे साथ हो ताकि अपनी पसंद से हर चीज खरीदे। क्या हो गया आपको? हमारे खानदान में पहला तो ऐसे कोई फैशन नहीं था कि दुल्हन खुद जाके अपनी शॉपिंग करे शादी की, और फिर ये पैसे आपको मुझे देने चाहिए थे। तुम्हें कैसे देता, तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं मिलता, तुम तो हमेशा काट खाने को दौड़ती रहती। अभी मैं जिंदा हूँ रियाज साहब, जब नहीं होंगी तब आप जिम्मेदारियां दीजिएगा किसी और को। अच्छा चलो तुम कर लो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, शॉपिंग में किसी किस्म की कंजूसी मत करना, ये मेरे बड़े बेटे की शादी है। तो आपका बेटा क्या मेरा बेटा नहीं है? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अपनी बहू के लिए मैं कोई सस्ती सी चीजें नहीं लेकर आऊंगी। शुक्र है तुमने उसे अपनी बहू तो तस्लीम किया। अम्मी 10 लाख रुपया तो बहुत ज्यादा है, सारे पैसे भाभी पर खर्च मत कर दीजिएगा, उन्हें साथ लेकर जाने की तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या मुझे पागल समझती हो? शॉपिंग तो मैं तुम्हें कराऊंगी, तुम्हें अपने कोई भी पैसे खर्चने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सच में अम्मी जान? और भाभी को शॉपिंग कहाँ से करवाएंगी? किसी सस्ती सी जगह से करवा दीजिएगा। अच्छा तुम मुझे सिखाओगी कि क्या करना है? जाहिर है किसी सस्ते बाजार ही जाएंगे, शामीन बाहर से आई है, उसे यहाँ की चीजों की क्वालिटी का कोई खास अंदाजा नहीं है। और रही बात तुम्हारे अब्बू की और भाई की, तो उन्हें खवातीन की खरीदारी का कोई खास तजुर्बा नहीं है। ये लो अम्मा, ये वापस करो फूफो को। अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा? अरे उठा के रखिए कपड़े, किसी को लेने देने में काम आएंगे। और ये लो, ये अंगूठी है, इसको भी वापस करो, मुझे नहीं चाहिए ये मंगनी का सामान। तू तो बिल्कुल ही पागल हो गई है,
अरे ये इतनी महंगी अंगूठी कम से कम लाख सवा लाख की होगी, रख इसे, बल्कि मैं ही रखती हूँ इसे ला कर में जाके। अब्बा कह रहे थे पुप्पू आ रही है, उनके मुंह पे मारो ये सारा सामान, मुझे नहीं चाहिए। वो अकेली नहीं आ रही, पूरा टब्बर आ रहा है माफी मांगने के लिए, और फिर शादी की दावत भी हमें देंगे। इतना सब कुछ होने के बाद अब्बा और तुम उन्हें माफ कर दोगे? देख बेटा, अब रिश्तेदारी तो है, माफ तो करना ही पड़ेगा। तेरे फुप्पा तो कल आ रहे थे, मैंने साफ मना कर दिया कि जब तक रोशन आ रहा आके हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगेगी, हम शादी पर नहीं। बेटी का ख्याल ना करना, रिश्तेदारी निभाती रहना, करती रहो। आहिस्ता बात किया कर, जब देखो शोर मचाती रहती है। बेवकूफ, इतने अच्छे कपड़े वापस कर दे, दिमाग ही खराब हो गया इसका। भाभी, भाईजान, मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा मकसद आप लोगों का दिल दुखाना हरगिज नहीं था। दिल दुखाना और किसे कहते हैं? अगर मुझे पता होता कि रियाज ने ये सब कुछ करना है, तो मैं आपको वहां कभी नहीं बुलाती। बस रहने दो रोशना, गिले शिकवे तो हमने तुम लोगों से बहुत है, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कोई फायदा नहीं। जो कुछ हुआ से भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? धोखे से हमें तुमने वहां बुलाया, और फिर हमारी इतनी बेइज्जती की सबके सामने, और फिर कह रही हो कि भाभी, मैं भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैं वाकई आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जो चाहे मुझे सजा दे दीजिए। तुम किस मुंह से दावत देने आई हो? तुम क्या समझती हो कि हम सब कुछ भुला के तुम्हारी खुशी में शरीक होंगे? बात को आगे मत बढ़ाओ शाका, छोटी छोटी बातों से खून के रिश्ते खत्म नहीं हो जाया करते। और जो मेरी बच्ची का दिल दुखा है, उसका क्या क्या कसूर था उसका? भाभी, अगर आप कहें तो मैं परवीन से हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। रहने दो अब, ये तुम्हारे हाथ जोड़ने से रंजिशें दूर नहीं होगी। क्या करें भाभी, हम माँ बाप कभी कभी बहुत मजबूर हो जाते हैं। जब औलाद जवान हो जाती है तो वो माँ बाप की नहीं सुनती। मैं आप लोगों की बहुत एहसानमंद रहूंगी अगर आप लोग सारी रंजिशें भुलाकर इस शादी में शरीक हो जाएंगे। मैं बहुत मजबूर हो गई थी, ये फैसला मेरा नहीं तुम्हारे पापा जान का है। अपनी भतीजियों के अलावा तो उन्हें आजकल कुछ नजर ही नहीं आता। कोई बात नहीं पप्पू, किस्मत की बात है ना, बस शामीन मुझसे ज्यादा खुश किस्मत है। नाम मत लो उसका, मेरा बस चले ना तो उसे घर से धक्के देकर अभी और इसी वक्त निकाल दो। नफरत है मुझे उसके वजूद से। और इतनी नफरत के बावजूद आप उसको बहू बनाने पर तैयार भी हो गई हैं। मैं क्या करूं बेटा, तुम्हारे पप्पा बहुत जिद्दी हैं, और उनसे ज्यादा उनका बेटा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उस लड़की का वो हल करूंगी कि वो ये मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएगी। तुम अपना दिल छोटा मत करो। खुदा अरे भाई, मैं कहती हूँ कि क्या जरूरत है ये धूमधाम करने की? सादगी से निकाह करें और बस किस्सा खत्म। कम से कम मेरी तो जान छूटे इस अजाब से। मैं क्यों बुरी बनूँ इस मामले में बोल के? आप खुद ही बात करें ना अब्बू रुदाब से, वही लोग चाहते हैं शादी धूमधाम से हो। भाई धूमधाम से तो उस वक्त होती शादी जब बहू मेरी मर्जी की आ रही होती। अम्मी जान, अब आप भी बस कर दें, थूक दें अपना गुस्सा। अब्बू पहले ही बहुत परेशान है आपके इस रवैये से। अच्छा, और मेरे दिल पे जो गुजर रही है उसकी तो किसी को कोई परवाह नहीं है। कितने अरमान थे मेरे बड़े बेटे की शादी के लिए, सब खाक में मिल गए। और मेरा इकलौता भाई मुझसे नाराज हो गया, मेरा मैका ही खत्म हो गया। ऐसे एक नंबर की कंजूस है आपकी होने वाली बहू, जहेज के नाम पर एक ढेला नहीं लेकर आ रही।
बाप ने तो लाखों की जायदाद छोड़ी है बेटियों के लिए, लेकिन मजा लेके इन्होंने अपने लिए कोई जहेज के नाम पे छोटी मोटी चीजें ही बनाई होती। बस एक मेरा बेवकूफ बेटा ही मिला था इन्हें। अभी आप देखिएगा, जब मोहल्ले वाले और खानदान वाले आएंगे ना, तो सबसे पहले जहेज का पूछेंगे। वो क्या जवाब देंगे हम उन्हें? भला बिना जहेज के भी कोई लड़की ब्याह कर जाती है?